तो जब से ब्लैक एडम का फर्स्ट लुक आया है तब से उसे देखकर सभी सुपर हीरो फैंस यही सोच रहे हैं कि डीसी का ये ब्लैक एडम आखिर कितना पावरफुल है, क्योंकि कुछ लोग इस कैरेक्टर को सुपरमैन की टक्कर का बता रहे हैं तो कुछ लोग ब्लैक एडम को तूफान के नेता थॉर से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उन्हें कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो इसी के चलते आज हम अपनी वीडियो के अंदर ब्लैक एडम, सुपरमैन और थॉर तीनों की पावर्स को कंपेयर करके इनका बैटल कंपैरिजन करेंगे और इस बात को क्लियरली जानेंगे कि इन तीनों पावरफुल कैरेक्टर्स में से सबसे पावरफुल कौन है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। तो आइए बिना किसी देरी के आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ब्लैक एडम, सुपरमैन और थॉर के इस बैटल के अंदर हम दो बैटल्स को देखेंगे जो कि होंगे ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन और सुपरमैन वर्सेस थॉर। तो आइए शुरुआत करते हैं ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन से। ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन, तो पहले बात करें सुपरमैन की, तो सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का एक पावरफुल सुपर हीरो है जो कि क्रिप्टॉन नाम के एक प्लेनेट से बिलोंग करता है। लेकिन क्योंकि सुपरमैन का प्लेनेट बर्बाद हो चुका होता है इसीलिए सुपरमैन के फादर उसे क्रिप्टॉन से अर्थ पर भेज देते हैं, जिसके बाद सुपरमैन अर्थ पर रहकर ही बड़ा होता है। बात करें सुपरमैन की पावर्स की, तो सुपरमैन की कुछ बेसिक पावर्स हैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, हीट विजन और फ्लाइट। सुपरमैन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है जो कि इनफिनाइट वेट को लिफ्ट कर सकता है, और सुपरमैन की वेट लिफ्टिंग कैपेबिलिटी लिटरली इतनी ज्यादा है कि डीसी कॉमिक्स में एक बार सुपरमैन ने इतना हैवी ब्रेंच प्रेस लिफ्ट किया था जिसका वेट अर्थ प्लेनेट के बराबर था, और सुपरमैन ने उस वेट को 5 दिनों तक उठाए रखा था। साथ ही सुपरमैन की पावर्स उसकी एज के साथ बढ़ती जाती है, इसीलिए सुपरमैन जितना एज में बड़ा होता जाएगा उसका फिजिकल स्ट्रेंथ भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। सुपरमैन बहुत स्पीड से फ्लाई कर सकता है, बुलेट से भी तेज मूव कर सकता है और अपनी आंखों से हीट विजन भी फायर कर सकता है। सुपरमैन किसी चीज के आर पार भी देख सकता है, बहुत दूर से आ रही साउंड को भी साफ सुन सकता है और स्पेस में बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। इनके अलावा सुपरमैन सुपर ब्रेथ भी यूज कर सकता है जिसमें वो अपनी एक ही फूंक से सब कुछ को बर्फ में जमा सकता है। और तो और सुपरमैन इतना पावरफुल है कि वो सन के बेहद ही करीब जा सकता है और सुपरमैन को न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्सप्लोजन से भी मारा नहीं जा सकता। तो यही सारी सुपरमैन की पावर्स हैं। अब सुपरमैन के बाद बात करें ब्लैक एडम की, तो ब्लैक एडम का रियल नेम टेथ एडम है जो कि हजारों साल पहले खंडक शहर के अंदर एक गुलाम होता है, और जिन्होंने एडम को गुलाम बनाया होता है वो एडम की पूरी फैमिली को भी खत्म कर देते हैं। लेकिन फिर आगे चलकर एडम को रॉक ऑफ एटर्निटी के शज़ाम विज़ार्ड से पावर्स मिलती है और वो बनता है ब्लैक एडम, जिसके बाद ब्लैक एडम अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के नाम पर बहुत से लोगों की जान ले लेता है। बात करें ब्लैक एडम की पावर्स की, तो ब्लैक एडम के पास 6 इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स हैं जो कि है शू का स्टेमिना, एमोन की स्ट्रेंथ, ज़ेहोती का विजडम, एटोन की पावर, हेरो की स्पीड और मेंथू का करेज। यानी कि ब्लैक एडम के पास भी वो सारी पावर्स हैं जो कि हमने अब तक शेज़ैम के पास देखी है। लेकिन ब्लैक एडम शेज़ैम की सारी पावर्स को भी हासिल करना चाहता है, जिस वजह से ब्लैक एडम और शेज़ैम के बीच कई बार लड़ाई हो चुकी है। ब्लैक एडम इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि उस पर कितने भी पावरफुल अटैक्स क्यों ना किए जाए उसे उनसे कुछ भी नहीं होता है। ना तो ब्लैक एडम को स्पीडिंग ट्रक के टक्कर से कुछ होता है और ना ही किसी बॉम्ब के एक्सप्लोजन से। कॉमिक्स के अंदर ब्लैक एडम की बॉडी को वर्चुअली इंडिस्ट्रक्टेबल बताया गया है, इसीलिए दुनिया की एडवांस से एडवांस गन्स की बुलेट्स भी ब्लैक एडम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और यही नहीं बल्कि डॉक्टर फेट जो कि डीसी के मोस्ट पावरफुल मैजिशियंस में से एक है, उनकी पावरफुल मैजिकल लाइटनिंग अटैक्स का भी ब्लैक एडम पर कोई असर नहीं होता। ब्लैक एडम का स्ट्रेंथ भी इतना ज्यादा है कि वो हजारों टन भारी एयरक्राफ्ट कैरियर को एक बॉल की तरह उठाकर फेंक चुका है, स्पीड के मामले में स्पीड ऑफ लाइट से भी रन कर चुका है, एक थंडर क्लैप से यानी कि ताली मारकर एक पूरे शहर की बिल्डिंग्स को तबाह कर चुका है, और तो और एक बार अपनी मैजिकल लाइटनिंग से एटम स्मैशर को फिर से जिंदा भी कर चुका है। तो यही सारी ब्लैक एडम की पावर्स थी। अब ब्लैक एडम और सुपरमैन की पावर्स के बारे में जानने के बाद आइए अब इनके बैटल की बात करते हैं और जानते हैं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है और एक फाइट के दौरान कौन किसे हरा सकता है। तो ब्लैक एडम एक ऐसा पावरफुल कैरेक्टर है जिसके पास 6 इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स हैं, और ये चीज ब्लैक एडम को डीसी यूनिवर्स के अंदर एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर बनाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुपरमैन है जो कि डीसी यूनिवर्स का सबसे ओवर पावर कैरेक्टर है। इसीलिए अब बात करें ब्लैक एडम और सुपरमैन में से ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर की, तो उसे जानने के लिए हमें डीसी कॉमिक्स पर नजर डालना होगा। डीसी कॉमिक्स के अंदर ब्लैक एडम और सुपरमैन कई बार फाइट कर चुके हैं, और जब भी इन दोनों का सामना हुआ है तब हर बार ब्लैक एडम ने सुपरमैन को जान से मारने की कोशिश की है, और ऐसा करने के लिए उसने अपनी पूरी पावर्स का यूज किया है। लेकिन वहीं सुपरमैन ने ब्लैक एडम से फाइट करते वक्त हमेशा ही सिर्फ उसे रोकने की कोशिश की है, और इसीलिए उसने कभी भी ब्लैक एडम से लड़ते वक्त अपनी पूरी पावर्स का यूज नहीं किया है। इसीलिए आप सुपरमैन को ब्लैक एडम से ज्यादा पावरफुल बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस बात का एक क्लियर आंसर चाहिए कि ब्लैक एडम और सुपरमैन में से कौन ज्यादा पावरफुल है, तो डीसी कॉमिक्स में हमें इसका क्लियर आंसर भी मिलता है। तो डीसी कॉमिक्स के एक अल्टरनेट यूनिवर्स के अंदर क्राइम सिंडिकेट ऑफ अमेरिका नाम से एक सुपर विलन्स की टीम एग्जिस्ट करती है, जो सुपर विलन टीम मेन यूनिवर्स के जस्टिस लीग से बिल्कुल ऑपोजिट है। यानी कि उस टीम के सारे मेंबर्स और
ओरिजिनल जस्टिस लीग के मेंबर्स के ईवल वर्जन्स हैं। और इसी क्राइम सिंडिकेट के अंदर सुपरमैन का भी एक ईवल वर्जन है जिसका नाम है अल्ट्रामैन। और ये अल्ट्रामैन ब्लैक एडम से फाइट कर चुका है, जिस फाइट के अंदर अल्ट्रामैन ब्लैक एडम को बहुत बुरी तरह से मारता है और वो अपने एक ही हाथ से ब्लैक एडम के मुंह को दबाकर उसके सारे दांतों को तोड़ देता है और ब्लैक एडम अल्ट्रामैन का कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन जब अल्ट्रामैन का सामना सुपरमैन से होता है तब सुपरमैन अल्ट्रामैन को बहुत बुरी तरह से मारकर हरा देता है। और इसीलिए इससे ये क्लियर हो जाता है कि अल्ट्रामैन ब्लैक एडम से ज्यादा पावरफुल है और सुपरमैन अल्ट्रामैन से ज्यादा पावरफुल है, जिसका सीधा सा मतलब यही बनता है कि सुपरमैन ब्लैक एडम से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, जो कि अगर ब्लैक एडम से लड़ते वक्त अपनी पूरी पावर्स का यूज करे तो सुपरमैन ब्लैक एडम को हरा सकता है। तो अब ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन के बाद आइए बात करते हैं सुपरमैन वर्सेस थॉर की। तो अब जैसा कि हम सुपरमैन की पावर्स के बारे में पहले ही जान चुके हैं, इसीलिए आइए अब हम थॉर की पावर्स की बात करते हैं। तो गॉड ऑफ थंडर थॉर एक एस्गार्डियन गॉड है जो कि ओडिन का बेटा और पूरे नाइन रियाम्स का प्रोटेक्टर है। एक गॉड होने की वजह से थॉर के पास सारी सुपर पावर्स हैं, जैसे गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, स्टेमिना और सुपर हीलिंग फैक्टर। थॉर की एज बहुत स्लोली बढ़ती है, इसीलिए थॉर हजारों सालों से जिंदा है और आगे भी हजारों सालों तक जिंदा रहने वाला है। और थॉर को गॉड ऑफ थंडर भी यूं ही नहीं कहा जाता। थॉर के पास थंडर की पावर्स हैं, जिनसे वो वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है, वेदर को कंट्रोल कर सकता है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स कर सकता है और थंडर को चैनल करके उसे अपने दुश्मनों पर अटैक भी कर सकता है। थॉर के पास गॉड लाइक वेपन्स भी हैं, जैसे म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर, और ये वेपन्स भी इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि ये थॉर को किसी भी बैटल के अंदर अपर हैंड दिलवा सकते हैं। एमसीयू के अंदर भी थॉर अपनी कई पावरफुल फीट्स को शो कर चुका है, जैसे थॉर ने अपनी फर्स्ट मूवी के अंदर डिस्ट्रॉयर आर्मर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। डिस्ट्रॉयर आर्मर एस्गार्डियन मेटल से बना एक बहुत ही पावरफुल आर्मर था जो कि ओडिन के वर्ल्ड को प्रोटेक्शन देता था। इसके अलावा थॉर अपने म्योनिर की हेल्प से सोकोविया में लगे की थ्रस्टर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से पूरा सोकोविया ही ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि थॉर की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि वो एक न्यूट्रॉन स्टार के फुल फोर्स को भी झेल चुका है। और बात करें अदर कैरेक्टर से फाइट करने की, तो थॉर रैग्नारोक के अंदर थॉर सर्टर जैसे पावरफुल फायर डीमन को हरा चुका है और हल्क से फाइट करके उसे भी बराबरी की टक्कर दे चुका है। और तो और इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर जब सारे एवेंजर्स लगभग हार ही चुके थे तब वो थॉर ही था जिसने वहां पर आकर पूरे बैटल का रुख ही बदल दिया था, जिसके बाद थॉर ने इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ओवरपावर करके थैनोस की छाती में स्टॉर्म ब्रेकर घुसाया था। तो अब सुपरमैन और थॉर के बारे में सब कुछ क्लियरली जानने के बाद आइए अब इनके बैटल की बात करते हैं। तो सुपरमैन और थॉर दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बींग्स में आते हैं और इन दोनों की स्ट्रेंथ लगभग एक दूसरे के बराबर ही है। लेकिन इन दोनों सुपर हीरोज की फीट्स को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सुपरमैन थॉर से ज्यादा ड्यूरेबल है और स्पीड में भी थॉर से कई आगे हैं, क्योंकि जहां थॉर क्विक सिल्वर को भी स्पीड में नहीं पकड़ सकता वहीं सुपरमैन स्पीड के मामले में फ्लैश को भी टक्कर दे चुका है। लेकिन भले ही थॉर सुपरमैन से ड्यूरेबिलिटी और स्पीड में पीछे हो, पर थॉर के पास उरू मेटल से बने यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वेपन्स हैं, जो कि है म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर। और थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से बायफ्रॉस्ट खोल सकता है और उसे कहीं भी जा सकता है। इसीलिए भले ही सुपरमैन फ्लाई करके थॉर से कितना ही दूर क्यों न चला जाए, थॉर स्टॉर्म ब्रेकर से कुछ ही वक्त में सुपरमैन के पास पहुंच सकता है। साथ ही थॉर के वेपन थॉर के घायल हो जाने पर उसे पूरी तरह से हील भी कर सकते हैं, जिसकी एक झलक हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर देख रखी है। इनके अलावा थॉर एक गॉड है जिस वजह से उसकी कोई भी वीकनेस नहीं है, जबकि वहीं सुपरमैन की दो मेजर वीकनेस है। एक तो सुपरमैन के होम प्लैनेट क्रिप्टोन का रेडियोएक्टिव मेटल क्रिप्टोनाइट, जिसके कांटेक्ट में आते ही सुपरमैन बहुत वीक हो जाता है, और दूसरी मेजर वीकनेस है सनलाइट का ना मिलना। यानी कि अगर सुपरमैन को ज्यादा देर के लिए सनलाइट से दूर रखा जाए तब भी सुपरमैन वीक होता चला जाएगा। और इसीलिए अगर थॉर सुपरमैन की इन वीकनेस का फायदा उठाए और सुपरमैन को स्टॉर्म ब्रेकर से टेलीपोर्ट करके सनलाइट के बहुत दूर ले जाए, या फिर सुपरमैन के ऊपर क्रिप्टोनाइट का यूज करे, तो थॉर सुपरमैन को डिफीट कर सकता है। जिसका मतलब थॉर और सुपरमैन दोनों भले ही पावर्स के मामले में एक दूसरे के इक्वली हो, मगर थॉर सुपरमैन को फाइट में हरा सकता है। और इसीलिए सुपरमैन वर्सेस थॉर इस बैटल में थॉर विनर है। तो यही ब्लैक एडम वर्सेस थॉर वर्सेस सुपरमैन के टॉपिक पर एक वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अब इसके बाद आप ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन के टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि डीसी के सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर सुपरमैन और ब्लैक एडम में से कौन ज्यादा पावरफुल है, तो आप इस बारे में भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर ज्यादा लोगों ने कमेंट किया तो हम इस टॉपिक पर वीडियो जरूर लाएंगे। लेकिन अगर आप तब तक हमारे चैनल की और वीडियोस को भी एंजॉय करना चाहते हैं तो आप हमारी बनाई हुई वर्ल्ड वॉर सीरीज, इमोर्टल हल्क सीरीज, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल विलन्स ऑफ हल्क और टॉप 10 डिफरेंट हल्क इन मार्वल यूनिवर्स जैसी कमाल की वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। इन सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।